कृषि कानूनों की वापसी के फैसले को उत्तर प्रदेश चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आजमगढ़ के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त आजमगढ़ में है। किसानों से उनकी क्या बातचीत हुई, आपको वो भी हम दिखाते हैं। तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए गए हैं, ऐसे में आजमगढ़ के किसान क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, वो कितने ज्यादा खुश हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं। पीछे गन्ने की लहलाती हुई फसल है तो उसके आगे हमारी मौजूदगी है, इन्हीं लोगों से जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया तीनों कृषि कानून अब रद्द होगा, कैसे देख? बहुत अच्छी बात है, रद्द हो गया, हमको खुशी महसूस हो रही है। खुशी महसूस हो रही है। क्या नाम है आपका? अबू साद अहमद। आपको लग रहा है कि अच्छा किया प्रधानमंत्री? अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, रद्द हो गया। वो कह रहे थे कि छोटे किसानों को फायदा होगा इससे, लेकिन वो समझा नहीं पाए किसानों को अपने मन की बात सही तरीके से। तो आपको लग रहा है सही किया रद्द करके? ठीक, अच्छा होगा, अच्छा कर दिए तो इससे फायदा मिलेगा। बीजेपी तो चुनाव के ठीक पहले ऐलान हुआ है तो फायदा देख रही है बीजेपी। लग रहा है फायदा होगा, किसको होगा फायदा होना चाहिए, किसको फायदा होगा? सभी लोगों को फायदा होना चाहिए, सभी लोगों को फायदा होगा। आप बताइए, बीजेपी तो फायदा देखेगी चुनाव है? हाँ, तो फायदा तो होगा ही, उसको रद्द हो गया तो। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपनी रथ दौड़ाई, इस वजह से दबाव पड़ा, इसलिए रद्द हुआ। नहीं नहीं, रद्द हो गया, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया है पीएम ने, अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है। लेकिन दस महीनों से हमारा किसान जो है वहाँ पर बैठा हुआ था, उसको देखते हुए ना जाने कितने किसान वहाँ पे शहीद हो गए, उसके बावजूद जो है हमारी सरकार चुनाव को देखते हुए नया नया जुमले दे रही है, नया नया कानून ला करके फिर उसको वापस कर रही है। इससे जो है सरकार और जो है मांग तो यही की जा रही थी ना कि रद्द करो, तो उन्होंने रद्द कर दिया, रद्द कर दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन हमारे जो किसानों का बलिदान दिया गया है उसका जो है भरपाई कौन करेगा? क्या भरपाई होनी चाहिए, मुआवजा मिले किसान? मुआवजा मिलना चाहिए 1-1 करोड़ का जो है, नौजवानों एवं किसानों को जो है हमें रोजगार भी मिलना चाहिए और उनके परिवार वालों को नौकरी भी मिलनी चाहिए, नौकरी भी मिलनी चाहिए। ठीक है, आप किस तरह से देख रहे हैं दादा, रद्द कर दिया गया कृषि कानून, इसको जो मरे हैं उनको, मतलब कि जिसके घर के मरे हुए हैं उनको, मतलब कि सुविधा देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, उनके लड़कों को मतलब एक नौकरी छोकरी लगाना चाहिए। किस चीज की खेती आप करते हैं? बस यही मतलब है, गेहूं है, गन्ना गेहूं, इसकी खेती करते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि सरकार ने ये रद्द कर दिया, अच्छा किया, लेकिन जो किसान जिनकी जान गई है उनके परिवार वालों की बेहतरी के लिए सरकार, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे फायदा किसका होगा ये बताइए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रद्द दौड़ाई इसलिए कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आज गुरु पर्व का मौका है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, कुछ कमियां रह गई होंगी हम उसको दूर करेंगे, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? देश के जमाने से तो मतलब सब गरीब अमीर सब आजाद रहे, ये बात नहीं है, सब आजाद रहे, बगैर इनके हुकूमत में सब परेशान है, चाहे छोटा परेशानी हर चीज की, तेल की है, मतलब जोताई खाद की, इतनी महंगी खाद होगी कहाँ से डाली बतावा। तो वो फ्री में अनाज देने की भी बात करें, कोरोना काल में मुफ्त में अनाज मिला है सबको, 250 रुपया किलो तेल बिका था कड़ुआ, अब 1 किलो 10 किलो गेहूँ देखो उसे पेड़ पता चली बतावा। अच्छा, सोचा तो किसानों के लिए और क्या करे सरकार? किसान के लिए खाद सस्ती करे, डीजल सस्ता करे, मतलब तब किसान आजाद हो, खाद और डीजल सस्ता करे सरकार, बिजली जो है फ्री करे। छोटे लाल है आपका नाम, आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाह रहे हैं कि बिजली जो है कि कहने का मतलब कि बिल जो है कि कम करे, और खाद का जो है कि अनेक रेट घट करे, सुविधा हो, पानी का जो है कि हर तेल का अथवा हो, और क्या हो, ये सब मतलब सुविधाएं दी जानी चाहिए। और किसकी बात नहीं हो पाई, सबकी बात हो गई, आप बताइए, रद्द कर दिए कानून, अच्छा किया प्रधानमंत्री ने? बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम किया है, तो खुश हैं इससे आप लोग? आपको लग रहा है कि इससे किसानों की बेहतरी के अच्छे दिन आएंगे? हाँ, अच्छे दिन तो आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। देखिए, ये आजमगढ़ के किसान हैं और यकीनन इनके ऊपर सभी की नजर रहती है, क्योंकि पूर्वांचल में ये एक ऐसी सीट है, बीजेपी ने हर जगह जीत हासिल की, लेकिन आजमगढ़, अखिलेश यादव यहाँ से विजयी हुए। अब यहाँ के किसानों का यही कहना है कि सरकार की ओर से एक अच्छा कदम बढ़ाया गया है तीनों कृषि कानून रद्द करके, लेकिन जो महंगाई की मार पड़ रही है उस पर ये लोग चाहते हैं कि महंगाई को भी कम करे और डीजल और खाद के दाम में गिरावट आए, तभी किसानों को इसका फायदा हो पाएगा। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा, संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, आजमगढ़ आज तक। और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर खुद राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन का मोर्चा संभाल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद यहां पर किसानों ने जलेबियां बांटकर खुशी मनाई। गाजीपुर में किसानों से बातचीत की हमारी सहयोगी श्वेता झा ने।
लगभग एक साल का लंबा संघर्ष और उसके बाद आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टेलीविजन पर आकर ये बात कही कि तीनों कृषि कानून आज से खत्म किए जाते हैं, सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस लेती है, तो उसके बाद किसानों के बीच खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार कुछ इसी तरह की जय जवान जय किसान के नारे भी लग रहे हैं और तमाम इस वक्त किसान नेता, वो किसान जो कि खेतों में काम करते रहे हैं लेकिन इस कृषि कानून की वजह से पिछले एक साल से इसी गाजीपुर बॉर्डर पर उन्होंने अपना घर बना रखा है, आशियाना बना रखा है। आज ये क्या महसूस कर रहे हैं ये हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कई लोग हमारे साथ हैं लेकिन BKUK यानी कि भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनसे सबसे पहले जान लेते हैं। ये बताइए, राकेश टिकैत ने लीड किया एक तरह से इस पूरे किसान आंदोलन को, आज क्या आप मानते हैं कि आप लोगों का जो कहना था, जो मांगे थी वो पूरी हुई? सबसे पहले मैं देश की मीडिया को बधाई दूंगा कि उसने लगातार इस आंदोलन को कवरेज दी और उस कवरेज की देन ये रही कि आज देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर हम अपनी पीड़ा को पहुंचाने में कामयाब थे। आदरणीय राकेश टिकैत जी हमेशा कहते रहे हैं कि कानून देश के गोदाम पहले बन जाते हैं और कानून बाद में आता है। ये बात आज प्रधानमंत्री जी ने मान लिया कि कहीं पूंजीपतियों के दबाव में, प्रेशर में वो कानून बनाए गए थे जो किसान के खिलाफ थे और उन्होंने आज उनको वापस किया। ये स्वागत योग्य उनका निर्णय है, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है, स्वागत करते हैं। देश का किसान आज भी संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है देश का किसान? देखिए, संतुष्ट होने का कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम कानून जो हमने बनाए थे वो वापसी लेते हैं। अभी वो संसद सत्र में, अभी वो जहाँ पे बने थे वो वहाँ पे कैंसिल होने हैं। दूसरा, हमारा 750 किसान शहीद हो चुके हैं, उसके ऊपर उन्होंने दो शब्द नहीं बोले हैं। अभी हमारी MSP पे गारंटी की बात है और हमारे जो किसान हैं, जो देश और प्रदेश के अंदर जो किसानों पे जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, किसान अपने घर से कोई मुकदमा लेके नहीं आया था जो किसान मुकदमे वापसी लेके घर जाएगा, तो हमारी बहुत सी मांगे अभी अधूरी हैं, तो उन पे बात होगी तो हम अपनी खुशी जाहिर तब करेंगे। जी, यानी कि ये किसान जो है वो ये मान रहे हैं कि अभी एक तरह से ये छोटी दिवाली है, क्योंकि कई किसानों से मेरी यहाँ पर बात हुई, उनका कहना है कि उनके सारे पर्व त्यौहार इसी जमीन पर, इसी बॉर्डर पर गुजर गए, लेकिन अब जो है आज खुशी मनाने का दिन है, छोटी दिवाली है लेकिन बड़ी दिवाली होना बाकी है। क्या आप भी यही मानते हैं? हाँ जी, ये तीनों कृषि कानून वापसी हुई है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा मेन मांग है हमारी MSP पे कानून बनना चाहिए, उसके बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं बॉर्डर खाली करेंगे। तो यानी कि अब सरकार ने जब कह दिया, खुद प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि ये तीनों कानून वापस होते हैं, तो क्या अब भी आप लोग यहीं डटे रहेंगे? उनके आने से, कानून बनने से हमें कोई मतलब नुकसान के अलावा कुछ नहीं था और कोई निरस्त होने से कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा मेन चीज़ है हमारे किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं इतने सारे, जो हमारे मतलब किसानों की 800 किसान शहीद हो गए यहाँ पर, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए उनको, उनके खाने पूर्ति जो भी होती है उनसे अपने करें वो, और हमारा MSP मेन चीज़ है, MSP पे कानून बने तभी हम यहाँ से जाए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, प्रधानमंत्री ने कुछ एक तरह से आह्वान किया है, प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा है कि अब देखिए जब कानून हमने वापस ले लिया, उन्होंने हालांकि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा आज अपने संबोधन में कि किसानों के हित में ये कानून बना था, किसानों की भलाई के लिए हमने कानून बनाया था, लेकिन हम कुछ किसान भाइयों को नहीं समझा पाए, नहीं मना पाए और इसीलिए ये कानून वापस लेते हैं, लेकिन अब किसान भाई जो हैं वो अपने अपने घरों को वापस जाए, तो इस बात को आप नहीं माने? फिर दोबारा से आना पड़ेगा यहाँ बैठने से, हमारे बीच में जो जाम में फंस जाते हैं वो एक घंटे अगर अपने घर देरी से पहुँचते हैं तो उन्हें दुख होता है, पीड़ा होती है। हम पिछले 12 महीने से अपने घर नहीं गए, हमें कितनी पीड़ा होती होगी, क्या हमें दोबारा आना चाहिए यहाँ पर? देश के प्रधानमंत्री इस बात को क्लियर कर दें कि जो बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है, या MSP पर कानून बनाना है, ये जो 750 किसानों ने जितने शहादत दे दी, उनका परिवार चाहे MSP पे कानून बने, चाहे काले कानून वापस लिए जाए, उनका परिवार किस तरीका से चलेगा, उस पर प्रधानमंत्री जी का क्या होगा, या फिर आगे कोई भी कानून बनाया जाएगा तो कोई कमेटी होगी या फिर से हमें आंदोलन ही करना होगा? एकमात्र एक रास्ता आंदोलन ही होगा हमारा, या कोई एक ऐसा
मंच होगा जिस पर बैठकर हम अपनी बात कह सकेंगे। तो ये सारे विषय हैं, इन विषयों को लेकर के, क्योंकि अब एक साल हो गए, हम समझते हैं कि आने वाले 10 से 15 दिन के बीच में प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है वो अच्छी पहल है और शुभ संकेत है कि सारे मामले 10 से 15 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो इसमें बड़ी अच्छी बात है, फिर हम खुशी खुशी हम भी अपने घर चले जाएंगे और उनका काम सरकार चलाने का वो सरकार चलाएगी। मुख्य रूप से कुछ बातों को लेकर जो किसानों को नाराजगी थी, आपत्ति थी, उसको लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, जो तीन कृषि कानून थे मुख्य तौर पर, उसमें से एक ये बात थी कि भाई सरकार का ये कहना था कि उल्टा आप लोगों को एक बड़ा बाजार दिया जा रहा है, अब आप कहीं भी खरीद बिक्री कर सकते हैं, APMC से हटकर आप बाहर भी जा करके बड़ी एक मंडी होगी और वो कर सकते हैं आप, तो उसमें एतराज किस बात का था आप लोग? देखिए, हमने पूछा था, वो ठीक है उन्होंने कहा कि बाहर एक बड़ी मंडी होगी, हमने तो पूछा था हमारी धान की फसल थी, गेहूँ की फसल थी, हमारे रबी की फसल थी, आलू की फसल थी, हमने पूछा था आपसे कि भाई हमें बता दो कहाँ बेचना है, हमने कहा हमें बता दो कहाँ बेचना है, कहाँ हमें सही रेट मिलेगा। हमने तो बोला भी था कि हम अपनी धान की फसल लेके संसद चले जाते हैं, उन्होंने वहाँ भी जाने नहीं दिया हमें। आप अब भी ये बता दें कि हमें जाना कहाँ है, कौन सी मंडियाँ इन्होंने बनाई है, कौन सी मंडी थी जो हम लेके जाएं, किस जगह जाना था हमें, यानी इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन था। अच्छा, दूसरी जो बड़ी बात थी वो थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, यानी कि उसमें देखिए मुख्य तौर पर बात ये थी कि कोई भी पूंजी जिनके पास है, जो ज्यादा पूंजी वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सामने आते, अगर कहीं मैं गलत हूँ तो बताइएगा, वो आते और किसानों की जो जमीन है वो लीज पर काइंड ऑफ ले ली जाती है और उसके बाद उनकी मर्जी से वो जो कहते वो उगाना आपको पड़ता, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे हम कह रहे हैं वो होता, तो उसमें लेकिन आप लोगों को आपके हिसाब से पैसे दिए जाते, जितना आप कहते हैं उस हिसाब से वो पैसे दिए जाते, इसमें भी आप लोगों ने एतराज जताया था, क्यों? ऐसा है कि जिस चीज को वो बोआते हैं, मान के चलो उन्होंने एक आलू बोआया, आलू की बो हमने कर ली, एग्रीमेंट उनसे हो गया ये हमारा आलू है और इसको हम आपसे 8 रुपए किलो खरीदेंगे, अगर बाजार में रेट उसका 10 रुपए किलो होगा तो 8 रुपए किलो खरीद लेते, लेकिन उसमें उनकी एक शर्त होती, जिस समय पर हम आलू पैदा कर देते उस फसल की पैदावार हो जाती तो वो उसका साइज बताते, आप इस साइज का लेंगे, इस साइज से अलावा हम आलू नहीं लेंगे। तो हमारा जो पैदावार होती है, हमें पता है कि अगर एक आप जूता बनाते हो, पैर की चप्पल भी बनती है, तो वो 100% सही नहीं होती सभी, उसमें भी कम से कम 20% खराब हो जाती है, लेकिन जो फसल उगती है उसमें भी ऐसी होती है, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, तो वो उसमें करते हुए उसको निकाल देते हैं। ये हमने पीछे गुजरात में ही देखा है, गुजरात में ये मॉडल आया था और पेप्सी को कंपनी ने एग्रीमेंट किया था जिसको लेकर के पूरी तरीका से किसान को बर्बाद होना पड़ा और ये अमेरिका जैसे देश ने चलाकर देख लिया, वो भी उसमें बिल्कुल फेलियर साबित हुआ। लेकिन सरकार तो लगातार कोशिश करती रही, आपके प्रतिनिधि मंडल जाते रहे, सरकार से बात करते रहे, आपको जो भी शंकाएं थी इन मुद्दों को लेकर आप सरकार से बात कर सकते थे, लेकिन नहीं कि आप लोग सीधे ये कहते रहे कि हम किसी बात पर आपके नहीं मानेंगे, हम बात नहीं करेंगे, बस ये तीनों कानून आप वापस ले लें। हमारे प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के प्रतिनिधि मंडल से ये कहा कि जो आप कानून लेकर आए हो आप उस पर चर्चा करो, चर्चा की और चर्चा में उन्होंने ये माना कि अगर टोटल 17 बिंदु हैं, 17 बिंदुओं में से 15 बिंदुओं पर सरकार ने माना कि गलत है। हमने कहा जिसमें 17 बिंदु में से 15 बिंदु गलत हो गए हो उस बिल का कोई फायदा नहीं,